आज मैं आपको चांदनी चौक की संपूर्ण जानकारी दूंगा, यहाँ की जितनी मार्केट है सब बताऊंगा, कहाँ कौन सी मार्केट पड़ती है, किस मार्केट में क्या मिलता है, सब कुछ बता। और हम अपनी वीडियो की शुरुआत लाल किला से करेंगे, लाल किला से लेके नई सड़क तक। ये है नक्शा चांदनी चौक का, ठीक है आप देख, ठीक है। और ये सारी मार्केटें इसमें आपको मिल जाएंगी, ये नक्शा भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें लाजपत राइट साइड में ये लाजपत राय मार्केट मिलेगी, देखो ये है मार्केट अपनी लाजपत राय मार्केट। यहाँ हमने बिल्कुल पहचान ये रहेगी गौरी शंकर मंदिर, ठीक है। हाँ, फूलों की दुकान मिल जाएगी, ठीक है। ये में आपको यहाँ साइकिलों की मार्केट मिल जाएगी, बहुत पुरानी मार्केट, इसके पीछे आपको घड़ी की मार्केट मिल जाएगी, ठीक है। ये है वो कैमरा मार्केट, तो ये भागीरथ प्लेस मार्केट है। यहाँ आपको इलेक्ट्रिक आइटम मिल जाएंगी, जैसे आपको गुस्से के साथ ही देखो इस तरह की आइटम आपको देखने को मिल। ये लाल किला और ये भागीरथ प्लेस मार्केट दरिबा कलान, ठीक है। और ये मार्केट भी बहुत फेमस मार्केट है, अंदर किनारी बाजार भी यहीं से रास्ता जाएगा, किनारी बाजार का रास्ता। बॉडी बिल्डर भाई है ना, तो उनके लिए यहाँ पे प्रोटीन की शॉप भी है, ठीक है। भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, कारण ये है कि मुझे 2.5 से 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है पैदल, और इतनी धूप है, करीबन 42 डिग्री टेम्परेचर। तो आप तो भाई हम शीशगंज गुरुद्वारे के आसपास आ चुके हैं, बिल्कुल शाम पड़ती है पर यहाँ पानी की सेवा चलती रहती है, और यहाँ भोजन का भी प्रबंध है, लंगर अंदर। तो ये है हल्दीराम, बहुत फेमस है, और ये दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर फेमस। भाई ये देखें हम जहाँ आए हैं, इसको पराठे वाली गली बोला जाता है, और हमारा सफ़र यहाँ तक आ गया नई सड़क पे। और नई सड़क पे आपको बता दूँ क्या क्या मिलेगा, नई सड़क पे आपको स्टेशनरी की आइटम मिल, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये वो गली है बल्लीवान, जहाँ आपको शूज़ हो गए। नमस्कार, मैं आपका अपना अरुण वशिष्ठ, और आज मैं आ गया हूँ भाई चांदनी चौक। आज मैं आपको चांदनी चौक की संपूर्ण जानकारी दूंगा, यहाँ की जितनी मार्केट है सब बताऊंगा, कहाँ कौन सी मार्केट पड़ती है, किस मार्केट में क्या मिलता है, सब कुछ बताऊंगा। तो भाई इस वीडियो को प्यार देना, अभी तक की मेरी बेस्ट वीडियो रहने वाली है। और हम अपनी वीडियो की शुरुआत लाल किला से करेंगे, लाल किला से लेके नई सड़क तक, और नई सड़क से आगे भी जाएंगे जहाँ बल्लीवालन है। कौन सी मार्केट में क्या सामान मिलता है, सब कुछ अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे लाल किला से, ठीक है। ये लाल किला आपने सामने देख सकते हैं, और ठीक इसे सामने ये मार्केटें शुरू हो जाती हैं, तो मैं आपको अंदर लेके चलूंगा। और हमारी वीडियो की शुरुआत हम लाल किला से कर रहे हैं, और ये जाएगी नई सड़क, और नई सड़क से भी आगे जाएगी बल्लीवालन तक। रास्ते में जो भी दिखेगा, यानी जो मार्केट है मेन वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और गुस्से के साथ ही हमें महादेव का मंदिर मिलता है, इसका महादेव का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, और गौरी शंकर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मैं भी महादेव का भक्त हूँ भाई। तो यहाँ से ये मार्केट शुरू हो जाती है चांदनी चौक की। आप हालात देख सकते हैं किस तरह बदल गए 3-4 साल के अंदर, पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये गेट देख रहे हैं, गेट के अंदर वाहन लाना सख्त मना है भाई, यहाँ केवल आप रिक्शे ही देखेंगे, यहाँ पे आपको रिक्शे चलते हुए देखेंगे, और वाहन यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है, प्राइवेट वाहन नहीं आएंगे। सरकारी वाहन आपको जरूर दे सकते हैं, पहले मैं आपको नक्शा दिखा दूँ। ये है नक्शा चांदनी चौक का, ठीक है, आप देख सकते हैं ये नक्शा रहेगा। हम अपनी वीडियो की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं लाल किला से, ठीक है। ये पूरा नक्शा यहाँ पे बना हुआ है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपको ये पड़ेगा, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, ठीक है। और ये सारी मार्केटें इसमें आपको मिल जाएंगी, ये नक्शा भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें लाजपत राय मार्केट भी है, ठीक है, बल्लीवालन भी है इसमें, ठीक है, ये सब कुछ इसमें, फुहारा यानी कि फाउंटेन भी है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा अपनी वीडियो पे, आप वीडियो बने रहना। तो चलो वीडियो शुरुआत यहाँ से ही करते हैं। आप अगर लाल किला से आएंगे तो आपको राइट साइड में ये लाजपत राय मार्केट मिलेगी, ठीक है। मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। आज मैं वीडियो में केवल आपको मार्केटें बताऊंगा, कौन सी मार्केट कहाँ पड़ने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर रहेगी पर पूरा डिटेल से बताऊंगा, तो भाई वीडियो को प्यार देना। टेम्परेचर भाई 42 हो रहा है, और तुम्हारा भाई 42 टेम्परेचर अंदर गई अंदर भी आपको 2.5 किलोमीटर की पूरी मार्केट दिखाएगा। ये देखो ये है मार्केट अपनी लाजपत राय मार्केट, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक आइटम मिलती हैं, जिसमें आपको टीवी भी मिल जाएगा, सीसीटीवी कैमरे, ट्राइपॉड, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक आइटम, फेमस मार्केट है, यहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। ये बिल्कुल लाल किला के राइट हैंड में पड़ेगी, ठीक है, और इसके सामने बिल्कुल पहचान ये रहेगी गौरी शंकर मंदिर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये गौरी शंकर मंदिर है, और गौरी शंकर मंदिर के अंदर पूजा पाठ करने के लिए सामने ही आपको यहाँ फूलों की दुकान मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो देख सकते हैं ये गौरी शंकर मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भाई, मैं भी
महादेव का भक्त हूँ, आता हूँ तो जरूर जाता हूँ इसके अंदर। वीडियो शूट करने के बाद मैं इस मार्केट में इस मंदिर में जाऊँगा। तो ये हमारी पहली मार्केट रही लाजपत राय मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपनी वीडियो की शुरुआत लाल किला से कर रहे हैं, तो ये गौरी शंकर मंदिर आगे चलते हैं। अगर आप लाल किला से आएंगे तो करीबन 200-300 मीटर चलने के बाद ये लेफ्ट साइड में आपको यहाँ साइकिलों की मार्केट मिल जाएगी। बहुत पुरानी मार्केट है, जैसे कि मैंने बताया 40-50 साल पुरानी मार्केट है। और ठीक इसके पीछे आपको घड़ी की मार्केट मिल जाएगी, ठीक है। और इसी मार्केट के सामने, साइकिल मार्केट के सामने आपको कैमरे की मार्केट मिल जाएगी। बहुत फेमस मार्केट है कैमरे की, मैंने इसे वीडियो बनाई हुई है, सब पे वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो ये कैमरे की मार्केट है, ठीक है। और ये पड़ती है भारतीय स्टेट बैंक के सामने। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी पर संपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा। भारतीय स्टेट बैंक के सामने बिल्कुल आपको ये कैमरा मार्केट पड़ जाएगी। ये छोटी सी गली है, ये दिखा देता हूँ आपको, बाहर खड़ा होकर। ये है वो कैमरा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से कैमरा मार्केट शुरू हो जाती है, ठीक है। और ठीक इसके सामने मैकडॉनल्ड के सामने यहाँ आपको भागीरथ प्लेस मार्केट मिल जाएगी। इसमें आपको वो इलेक्ट्रिक आइटम मिलती है, पर इसमें तार होगी, जैसे छोटे मोटे इलेक्ट्रिक जो होती हैं, तारे, बल्लभ ट्यूबलाइट, इस तरह की आपको मिल जाएंगी। और ये भारतीय स्टेट बैंक के साथ में ही है ये मैकडॉनल्ड, ठीक है। और ठीक इसके साथ में ये भागीरथ प्लेस मार्केट शुरू हो जाती है। मैं पास जाके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। बहुत भाई की रिक्वेस्ट आ रही थी कि चांदनी चौक की पूरी डिटेल वीडियो बनाए, कौन सी मार्केट कहाँ पड़ती है। तो ये वीडियो उन्हीं भाइयों को लिए जिन्होंने कमेंट्स में जो लिखते थे चांदनी चौक की वीडियो बनाओ। तो ये भागीरथ प्लेस मार्केट है, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक आइटम मिल जाएंगी, जैसे आपको गुस्से के साथ ही देखो इस तरह की आइटम आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बिल्कुल मैकडॉनल्ड के साथ में। और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या भाई, ये मार्केट आपको लाल किला से करीबन 300 मीटर की दूरी पड़ेगी। ये भागीरथ प्लेस मार्केट, ये लाल किला और ये भागीरथ प्लेस मार्केट करीबन 300 किलोमीटर की दूरी पे, राइट हैंड पे बिल्कुल मैकडॉनल्ड के साथ में। और आगे चलते हैं, और बहुत पुराना इतिहास है चांदनी चौक का, लाल किले का। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर फेमस मार्केट है। तो आगे और जो मार्केट आएंगी मैं आपको बताऊंगा, बहुत मार्केट है यहाँ पर भाई। भागीरथ प्लेस मार्केट से थोड़ी सी आगे आएंगे तो आपको ये मार्केट मिल जाएगी भाई, दरीबा कलान, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में बढ़ती है लाल किला से। जब आप आएंगे तो करीबन 400 मीटर की दूरी पर लेफ्ट साइड में पड़ेगी दरीबा कलान, ठीक है। और ये मार्केट भी बहुत फेमस मार्केट है। अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर किनारी बाज़ार भी, यहीं से रास्ता जाएगा, किनारी बाज़ार का रास्ता भी यहाँ से जाएगा, आगे से भी जाता है, पर अगर लाल किला मेट्रो स्टेशन आप आते हैं तो किनारी बाज़ार का रास्ता यहाँ से ही जाता है। करीबन 150 मीटर की दूरी पर जाके आप राइट होंगे तो किनारी बाज़ार स्टार्ट हो जाएगा। तो एक मार्केट ये रही, तो चलो और आगे चलते हैं और दिखाता हूँ। बिल्कुल शीशगंज गुरुद्वारे के साथ में जो पहला कट आता है वो आपको किनारी बाज़ार और दरीबा कलान ले जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल हम शीशगंज गुरुद्वारे के साथ आगे बिल्कुल पास में ही है। और इसके बगल में आप मार्केट देख सकते हैं, आपको लहंगा मिल जाएगा, शर्ट वर्ट सब कुछ मिलता है। ये चांदनी चौक है और इस तरफ मोस्टली प्रोटीन की शॉप मिलेगी आपको। बॉडी बिल्डर भाई है ना, तो उनके लिए यहाँ पे प्रोटीन की शॉप भी है, ठीक है। तो और आगे चलते हैं, ये देखो हम पहुँच चुके शीशगंज गुरुद्वारा, ठीक है। शीशगंज गुरुद्वारे पास चलते हैं भाई। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, कारण ये है कि मुझे 2.5 से 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है पैदल, और इतनी धूप है, करीबन 42 डिग्री टेम्परेचर है। तो आप लोगों का प्यार और सहयोग चाहूँगा, स्नेह चाहूँगा, तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है। हम पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप, ये शीशगंज गुरुद्वारा है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ से, ये शीशगंज गुरुद्वारा भाई, ठीक है। इसका भी एक बहुत गहरा इतिहास है। तो भाई हम शीशगंज गुरुद्वारे के आसपास आ चुके हैं, बिल्कुल सामने ही मेरे शीशगंज गुरुद्वारा। और भाई यहाँ पानी की सुविधा चलती है बिल्कुल मुफ्त, अगर आप बाहर से लेते हैं तो 20 रुपये की बॉटल पड़ती है, पर यहाँ पानी की सेवा चलती रहती है। और यहाँ भोजन का भी प्रबंध है, लंगर अंदर चलता रहता है जब भोजन का समय होता है, जब लंगर भी चलता है। ये जो गुरुद्वारा है ये बिल्कुल लाल किला से करीबन 500 मीटर की दूरी पे, लगभग आधी किलोमीटर की दूरी पे आपको लेफ्ट साइड मिलेगा अगर आप लाल किला से यहाँ शीशगंज गुरुद्वारा आते हैं। तो और आगे चलते हैं, यहाँ ये जो चीज़ है ये बहुत फेमस है, ठीक है। इसको फुहारा बोला जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फुहारा, इस जगह का नाम भी फुहारा है, ठीक है। ये देखें, और ये मैं, ये देखो ये चांदनी चौक का व्यूज़ है इस समय, ठीक है। उस तरफ लाल किला, शीशगंज गुरुद्वारा, वो जो मार्केट है मैं अभी बता चुका हूँ आपको, भागीरथ प्लेस और
साइकिल मार्केट, कैमरा मार्केट, वो इस तरफ रह गई। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ आपको राइट हैंड पे एक हल्दीराम जो बहुत फेमस है, हल्दीराम कई फिल्मों में इसका यूज़ किया गया है। एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम शायद, उसमें चांदनी चौक के जो दृश्य थे वो यहीं आसपास के थे और हल्दीराम को जो बताया गया था वो ये हल्दीराम था, ठीक है। ये देखिए यहाँ हल्दीराम आ गया। और यहाँ भाई भोजन जो है, चाट चूट जो है, यहाँ बहुत चांदनी चौक का, पुरानी दिल्ली का बहुत फेमस है। ये देखें, ये हल्दीराम आ गया। ये फुंवारे के बिल्कुल पास में आपको हल्दीराम पड़ जाएगा, ठीक है। भाई मैं वीडियो जब बना रहा हूँ उस समय गर्मी बहुत है यार, ठीक है, और मैं पैदल ही इस ये सफ़र मैंने शुरू की है। और यहाँ आप अपनी गाड़ी लेके नहीं हंसते, आप देख सकते हैं जिस तरह रिक्शे चल रहे हैं, ठीक है। अब तो बहुत खूबसूरत ये कर दिया गया इस जगह को, ये देखें। तो ये है हल्दीराम, बहुत फेमस है, और ये दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर फेमस है ये चीज़ हल्दीराम की। नमकीनें भी आती हैं और भी चीज़ें आती हैं, ऐसी ब्रांच कई और भी खुली हुई हैं, पर सबसे फेमस हल्दीराम इसी को माना जाता है चांदनी चौक वाले को, फुंवारे के बिल्कुल साथ में। और आगे चलते हैं। यहाँ देखो आपको लहंगे लहंगे मिल जाएंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाएंगी इस तरह की, ठीक है। ये देखो कोट पैंट। आज मैं आपको किसी चीज़ प्राइस नहीं बताऊँगा, आज मैं केवल आपको मार्केटें दिखा रहा हूँ कि कौन सी मार्केट कहाँ पड़ती है। ये देखें आपको लहंगे इस तरह के मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर जो जिनके घर में ब्याह शादी होती है वो ज़्यादातर यहाँ इसी ये मार्केट में आते हैं, और दिल्ली से नहीं दिल्ली के बाहर से भी आते हैं। तो आगे जो लेफ्ट साइड में जो पड़ेगी वो परांठे वाली गली पड़ेगी, मैं आपको परांठे वाली गली भी दिखाऊँगा। तो आगे चलते हैं। अगर आपको यहाँ आना है जैसे मैंने वीडियो शुरू की थी लाल किला से, ठीक है, अगर आपको इस जगह आना है जैसे हल्दीराम हो गया, ठीक है, हल्दीराम के आसपास, या फिर बल्ली वाला नई सड़क, या फिर परांठे वाली गली, तो आपको मेट्रो स्टेशन पड़ेगा चांदनी चौक, ठीक है, और वो यहीं से जाता है, एक गली आती है वहाँ से चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन पड़ता है। आपको यहाँ से निकलेंगे, आना जाना यहाँ से ही है, और ये पीछे मेरे हल्दीराम है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आप लाल किला ना जाएँ, लाल किला मेट्रो स्टेशन ना जाएँ, सीधा चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से ही आप यहाँ पे आएँ। तो चलो और आगे देखते हैं और क्या है। ये देखो दूल्हे की ड्रेस, इसे बोलते हैं शेरवानी, ठीक है, ये लहंगा। यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे कि मैंने बताया कि जिनके घर में ब्याह शादी होती हैं, कपड़ों की आवश्यकता होती है, दिल्ली नहीं दिल्ली के बाहर से भी यहाँ पर व्यक्ति शॉपिंग करने आते हैं ब्याह शादी की। तो अब जो गली आएगी इसको परांठे वाली गली बोला जाता है और बहुत फेमस है। कहा जाता है कि अक्षय कुमार का बचपन यहाँ गया है, उनकी नानी यानी कि नाना यहाँ रहते थे। तो ये है वो परांठे वाली गली। चलो अंदर चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये परांठे वाली गली है, ये देखें इस तरह की परांठे वाली गली रहेगी। ये देखें भाई, ये देखें हम जहाँ आए हैं इसको परांठे वाली गली बोला जाता है। आज काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं। ये एक भाई और ब्लॉगर मिले, हाँ ये देख सकते हैं। ये देखो यहाँ आपको ये है मेन परांठे वाली गली, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये देखो ये जो है इसे कहा जाता है परांठे वाली गली। तो चलो मैं आगे लेके चलता हूँ आपको आगे, ठीक है। और कहा जाता है अक्षय कुमार का जो बचपन है वो यहीं बीता। आगे जाके अक्षय कुमार के जो नाना थे उनका घर में। तो चलो भाई परांठे वाली गली से हम निकलते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ भाई बहुत फेमस है परांठे यहाँ के, और आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ चलते हैं आगे। भाई ये जो है परांठे वाली गली से हम आगे चलते हैं, ठीक है, और अगर आप यहाँ पराठा खाना आना चाहते हैं तो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पड़ेगा पास में, आप आ सकते हैं। और ये रहेगा व्यूज़ इस मार्केट का, ठीक है। ये देखो आगे हम नई सड़क तक जाना है हमने, तो जो भी रास्ते में आएगा देखो इस तरह की चप्पलें मिल जाएंगी आपको। मैं थोड़ा व्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पर बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, जब अंदर जाएंगे तो छोटी छोटी गलियों में ही आपको बहुत बड़े बड़े धमाके मिलेंगे, छोटी छोटी गलियों में बड़े बड़े धमाके, यानी कि आपको बड़ी बड़ी सेल मिलेंगी, बड़ी बड़ी दुकानें मिलेंगी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अंदर मार्केट जाने के रास्ते हैं। अंदर मार्केट तो बहुत बड़ी होती हैं और दुकानें बड़ी छोटी हों, गली बड़ी छोटी हो, पर उनमें भाई माल अच्छा मिलता है जब भी पूरे भारतवर्ष में चांदनी चौक पे लोग आते हैं।
तो ये देखो इस तरह का व्यू चांदनी चौक मार्केट का, ठीक है। हम यहाँ तक आ गए भाई, चांदनी चौक में एक ये गली जाती है मोती बाज़ार को, ठीक है। ये देखो हाँ लिखा भी है, ये देखो मोती बाज़ार, ठीक है। ये जो है मोती बाज़ार है भाई, यहाँ पर आपको कपड़ों का काम ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से रास्ता चालू रहता है और यहाँ जैसे मैंने बताया कि ब्याह शादी शॉपिंग ज़्यादा होती है, ये मोती बाज़ार, ठीक है। ये यहाँ से देखो ये दूल्हे की ड्रेस हो गई, लहंगा, इस तरह की चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो और आगे चलते हैं, हम नई सड़क के बिल्कुल नज़दीक हैं। ये देखें, आज मैं आपको किसी चीज़ का रेट नहीं बता रहा, कारण ये है कि मैं आज आपको मार्केट दिखा रहा हूँ। केवल ये देखो इस तरह के आपको लहंगे और ये शेरवानी मिल जाएंगी। ये देख भाई, वो मोती बाज़ार गली के बिल्कुल साथ में, ठीक है, ये कटरा नवाब है, ठीक है भाई। यहाँ आपको वही ब्याह शादी की आइटमें मिलती हैं, ठीक है। ये देखें, ये गली भी बहुत छोटी है और ये छोटी छोटी गलियाँ आगे घूमती रहती हैं। छोटी छोटी गलियों में बाज़ार है, ऐसे आप ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, ये बाज़ार आपस में टच होते रहते हैं, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से इस तरह का व्यू है, ये देखो। तो भाई बहुत सा बाज़ार है यहाँ पे, ये देखो आगे भाई, वो कटरा नवाब के बिल्कुल साथ में एक गली और जाती है। ये देखें कटरा प्यारे लाल, कटरा प्यारे लाल, ये देख सकते हैं आप लिखा हो कटरा प्यारे लाल, ये गली। और यहाँ भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ज़्यादा काम होता है, ठीक है। ये देखो बाहर लगी हुई है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको यहाँ मिलती है इस तरह की, ये देखो। तो कटरा प्यारे लाल यहाँ से शुरू जाती है, बिल्कुल वो कटरा नवाब के बिल्कुल साथ में, ठीक है। आपको ऐसी बहुत छोटी छोटी मार्केट मिलेंगी, ये सारी मार्केट बहुत फेमस मार्केट है, अपने आप में एक इतिहास ओढ़े हुए, इनका बहुत महत्व है, यानी कि पूरे भारतवर्ष से, जैसे मैंने बताया भारतवर्ष से यहाँ पर आते हैं लोग, व्यापार के नज़रिए से भी, ब्याह शादी के नज़रिए, ब्याह शादी में अगर शॉपिंग करनी है जब भी आते हैं, ठीक है। ये नया कटरा है भाई, ठीक है, इस तरफ ये देखो लिखा नया कटरा, यहाँ ये जो गली है नया कटरा को जाती है, ठीक है। यहाँ भी कपड़ों का व्यापार होता है, ये देखें नया कटरा यहाँ से शुरू हो जाता है, ये देखें ये नए कटरा को जाती है गली, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये देखो नए कटरा के बाहर भी आपको इस तरह का माहौल मिलता है, देखने को व्यू मिलता है। यहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाएंगी आपको, ये लहंगे, ये बेल्ट की दुकान है, लेदर की बेल्ट। तो ये देखो इस तरह का व्यूज़ यहाँ पे रहने वाला है और हम बिल्कुल नई सड़क के बिल्कुल पास में आ गए। तो भाई उसके साथ में एक मार्केट और आई, कटरा चौबान करके है, पर कटरा चौहान ही बोला जाता है इसको, ठीक है, चौबान बोल लो, चौहान के नाम से फेमस है, ठीक है। ये गली जाती है, अंदर वो कपड़े कपड़े मिलते हैं, ठीक है, इधर से, ठीक है। ये गली जाती है कटरा चौबान को, चौहान ही बोला जाता है, ठीक है। अच्छा भैया इसको क्या बोला जाता है इस मार्केट को, चौहान, चौबान बोल लो या चौहान कर लो, एक ही बात है, हाँ भाई एक ही बात है। और यहाँ कपड़ों का व्यापार होता है। और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है भाई। ये देखो इस तरफ आपको टी शर्ट मिल जाएगी, आगे चलते हैं और आगे आपको कटरा मोहन मिल जाएगा, कटरा मोहन एक गली है, ये सब कटरा के नाम से ही यहाँ पे गलियाँ काट रखी हैं और सब में ही आपको ये देखो कटरा मोहन गली ये, ठीक है, ये लिखा भी है कटरा मोहन, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या भाई। यहाँ इस तरह का व्यू आपको मिलने वाला है, ये कटरा अशरफी गली है, ये देखें कटरा अशरफी गली, देख रहे हैं आप, शायद आपको धूप पड़ रही है, आपको नहीं दिख रहा हो, कटरा अशरफी गली, ये इस लाइन में लगभग जितनी भी गलियां हैं ये कटरा के नाम से ही कटी बनाई गई हैं, ये कटरा अशरफी गली है, ठीक है। ये देखें और आगे चलते हैं, ये प्याऊ भी लगा हुआ है यहाँ पे कटरा अशरफी के नाम से, ये देखें। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे और देखते हैं और कौन कौन सी मार्केट हमें देखने को मिलती है, इस तरफ चलते हैं। तो भाई हम जहाँ तक पहुँच गए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसको देख के दिल बहुत खुश होता है, सीना चौड़ा हो जाता है हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। और ये जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, नई सड़क, ठीक है, नई सड़क का रास्ता ये जाता है, आप देख सकते हैं नई सड़क को जाता है,
लिखा भी है नई सड़क, और बलीवालन आगे फतेहपुर, फतेहपुर भी आगे पड़ेगा लिखा है यहाँ पे। आपको मैं बोर्ड के पास ले जाता हूँ, पर ये अच्छा लगता है यार, ये कहीं देखता हूँ तो प्राउड फील होता है, ठीक है। और ये देखो, ये नई सड़क को जाता है, हमने लाल किला से शुरू किया था और हमारा सफ़र यहाँ तक आ गया नई सड़क पे। और नई सड़क पे आपको मैं बता दूँ क्या क्या मिलेगा। नई सड़क पे आपको स्टेशनरी की आइटम मिल जाएंगी, ठीक है, स्टेशनरी की आइटम मिलती हैं, लहंगे कपड़े का व्यापार होता है मोस्टली ब्याह शादी के इस तरह के। तो आगे बलीवालन और फतेहपुर, पर मैं आज आपको केवल रास्ते बता रहा हूँ और मार्केट बता रहा हूँ कौन कौन सी मार्केट पड़ती है। ये देखो, ये जो है नई सड़क को जाती है, ये जो नई सड़क को जाती है, और ये करीबन 800 मीटर की ये आर पार, 800 मीटर मान लो या 1 किलोमीटर लंबा ऐसे है बिल्कुल। और यहाँ पे आपको स्टेशनरी के आइटम और लहंगे, लेडीज़ की ज़्यादा आइटम, लहंगे साड़ी वाड़ी इस तरह की आइटम आपको यहाँ पे मिलती हैं। अब हमारा अगला टारगेट रहेगा बलीवालन, ठीक है। बलीवालन पे मैं वीडियो बनाई, आपने बहुत प्यार दिया, पूरी डिटेल वीडियो मेरी आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। ये जो आगे जो है वो आपको बलीवालन पड़ेगा, और वहाँ हमें चश्मे और जूतों का व्यापार किया जाता है होलसेल के अंदर। भाई यहाँ पे आपको एक कटरा सुभाष करके भी एक मार्केट मिलेगी, ये देखो कटरा सुभाष लिखा है यार। इधर सूरज बिल्कुल फ़ोन पे आ रहा है, शायद आपको दिख नहीं रहा कटरा सुभाष, मैं इस तरह से करता हूँ, ठीक है। और ये देखो कटरा सुभाष, ठीक है, और वो ये मार्केट है। इन सभी मार्केटों में ना वही, ये देखो ये वो मार्केट है कटरा सुभाष, ठीक है, ऊपर लिखा भी है, ये देखें यहाँ पे वही इस तरह के आपको लहंगा ब्राइडर के जो भी सामान होते हैं, ठीक है, वो मिलेंगे कटरा सुभाष। तो और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या भाई बलीवालन आने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बोला था बलीवालन तक हम वीडियो बनाएंगे, अपने लाल किला से नई सड़क और बलीवालन इसको कवर करेंगे। तो रस्ते में जितनी मार्केट आई मैंने सब कवर की, आप बताना जरूर कमेंट्स करके ये लगी कैसे वीडियो आपको। इसमें बहुत मेहनत लगती है भाई एक वीडियो क्रिएट करने में, बनाने में, ठीक है। ये देखो इस तरह की मार्केट यहाँ आपको मिल जाएगी। आज मैंने लगभग चांदनी चौक की जितनी भी मार्केट हैं वो वहाँ जाने का रास्ता, वहाँ पहुँचने का रास्ता मैंने आपको बताया। ये है बलीवालन, ठीक है। ये देखो यहाँ आपको जूते और चश्मों की मार्केट मानी जाती है। ये देखो लिखा है यहाँ बल्ली मारान, ठीक है, बल्ली मारान गली, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वो गली है बल्ली मारान, जहाँ आपको शूज़ हो गए, चश्मे हो गए, सैंडल फुटवेयर का जो भी सामान है, और चश्मे प्लस एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है ये। और बाहर से व्यापारी आते हैं, दूर दूर से व्यापारी आते हैं यहाँ व्यापार करने। तो भाई हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है, ठीक है। हमने लाल किले शुरू किया और बलीवालन तक जितनी मार्केट रस्ताएँ पड़ी मैंने आपको सब दिखाई, ठीक है। ये मार्केट जाने का रास्ता था जो बाहर से दिख रहा था, अगर हम एक एक मार्केट करते तो बहुत टाइम लगता, ठीक है, पूरी पूरी वीडियो बनती है उन पर 15-15-20 मिनट की। पर मैंने आज आपको मार्केट कहाँ पर क्या लगता है, क्या मिलता है, इस चीज़ के बारे में सूचना दी है इस वीडियो के अंदर। तो भाई बड़ी मेहनत लगी है, वीडियो को ज़रूर बताना कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नए किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।